पनीर है, पनीर ये आता है। डिब्बा पे खूब है, ये रही ना, ये सही है। सर त्योहारों के मद्देनजर शहर के अंदर जांच की जा रही है सर, किस प्रकार की जांच की जा रही है, क्या सैंपल लिए गए हैं, क्या कार्रवाई की गई? खुर्जा में लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है घी और तेल और कुछ खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही है और नकली सामग्री का वितरण किया जा रहा है। उसके क्रम में आज जो सूचना मिली थी तो उसके क्रम में जो नायब तहसीलदार जो निरंजन कुमार हैं उनको मौके पर भेजा गया था। और मौके पर भेजा गया तो ये हमारे एक राधा कृष्ण एंटरप्राइजेस हैं जहाँ पर लगभग 30 टन जो है तेल मिला है जिसकी सैम्पलिंग की गई है और सैम्पलिंग के लिए भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भी मौके पर थी। और एक हमारे नरेंद्र सिंह चौहान हैं जहाँ पनीर लगभग 35 किलो और घी लगभग 300 किलो मिला है, उनकी भी जो है सैम्पलिंग की गई और सैम्पलिंग को यहाँ के लिए भेजा गया है। सर खुर्जा तहसील के अंदर और भी ऐसे जांच की जाएगी? और भी जांच की जाएगी। अब दिवाली तक हमारा लगभग रोज़ हम कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं हम अभियान चलाते रहें, कहीं ना कहीं छापेमारी करते रहें जिससे कि इस तरह की जो प्रवृत्ति है कि खाद्य पदार्थों में जो मिलावट की जाती है उस प्रवृत्ति पर रोक लगाइए। सर धन्यवाद।